आम आदमी पार्टी वालों पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जलंधर की जी सीट हैगी है, इसते कब्जा किया जाए तो पूरे देश के जोड़े लीडर ने उन्होंने अहदेदार ने वो इस वक्त जलंधर में पहुंचे हुए हैं। जम्मू तो चेयरमैन टोनी साहब साढ़े मौजूद ने। सर जम्मू वेख लिया है, हिमाचल भी वेख लिया है, पंजाब की नब्ज की लग रही है इस वक्त जलंधर में विशेष तौर पर गलबात करिए। देखो पंजाब केजरीवाल जी बाकी पार्टियां की तरह कोई इतने जुमलेबाजी प्रॉमिस नहीं हैगा, इतने गरंटी है केजरीवाल की और जो उसने क्या है वो करके दिता पंजाब की धरती के उत्ते लोगों के सामने है। अगर किसी भी गल ना क्या लोग कहते अपोजिशन कहते हैं एक महीने की बिजली होगी दूजे महीने कि दोगे, चल रही है बिजली फ्री भी चल रही है, साल हो गया सरकार को 26,500 नौकरियां दे के 36,000 पक्के करके और फिर फ्री बिजली फ्री पानी दे के 500 मोहल्ला क्लीनिक बना के स्कूल ऑफ एमिनेंस बना के और बाद 37,000 करोड़ का कर्जा मान सरकार ने वापस किया जो पिछलिया सरकार ने चाढ़िया पंजाब से। तो मैं कहना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई लोन लिया नहीं है, लोन उतारिया है पिछली सरकार का, यह सब कुछ फ्री करने वास्ते। और जोड़े लोग कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी है फ्री की राजनीति है, मैं उन्होंने पार्टियां कहना चाहना फ्री की पार्टी फ्री की राजनीति और रेवड़िया जड़िया ने वो अंबानी अडानिया के कर्जे माफ करना है, वो गरीब किसानों के उत्ते कर्जे लाने हैं। जेड़े कहते जी 2022 तक किसानों का कर्जा किसानों का इनकम डबल हो जाएगी, उन्होंने खर्चा डबल हो गया। विवाद बड़े बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दिल्ली में घर आलिशान बना दिता है, सीबीआई बुला रही है इन्होंने केजरीवाल साहब को, उन्होंने लोगों ने की जवाब? 1942 जो घर बनया 1942 घर बनया और एक बार वो छत 3 कमरिया की छत डिग चुकी थी और उत्थे दी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने लिखा कि हुण वेला आ गया इन्हू ढा के नवा बनाउण दा। तो जिले चीफ मिनिस्टर का कोई घर बनेगा तो 30 करोड़ रुपया मैं नहीं समझता कोई वड्डी मुल है, इतने पुराने प्रधानमंत्री का घर ठीक ठाक करने वास्ते 90 करोड़ रुपया लग गया, उत्थे दे एलजी ने अपने घर ठीक किया तो 15 करोड़ रुपया लग गया, सिर्फ ठीक किया ਉਹਨੂੰ 15 करोड़ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ 'ਚ? ਫਰਕ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਫਰਕ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਟਰਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। जम्मू तो चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी के इस वक्त जलंधर सीट पर पहुंचे हुए हैं पार्टी लिए प्रचार प्रसार करने। इन्होंने मुड़ तो उही गल दोहराई है कि 5 साल पूरे होने दो, मुड़ तो बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा, तो जो लोग गए हुए हैं वो वापिस आएंगे तो आगे पंजाब में काम करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि जलंधर के निवासी जित का फतवा किस को देंगे। जलंधर तो कैमरा पर्सन राजेश बागड़ के साथ सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा टीवी।